अधिकारियों ने जान खरीद के दिया। ऊपर वाला जो बैठे हैं व्यक्ति है शैलेंद्र बाबू है अभी यहाँ पे, आ जाइए दो मिनट के लिए। शैलेंद्र बाबू ये भी BSNL का अधिकारी है, ये लोग युवा अधिकारी स्वामी जैसे दिव्य आत्मा को खोज रहे हैं, जो हर ऑफिस में बैठकर चाहे स्कूल चलाए, चाहे नौकरी करे, चाहे पैसा करे, व्यवसाय करे, हर जगह पर राष्ट्रीय चेतना को जगा करके राष्ट्रीय भावना को पैदा करके अपने अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसा भाव पैदा करके हर अभ्यास को राष्ट्रीय चेतना के साथ जीने का संकल्प लेते हुए इन्होंने ऊपर वाला खरीद के दिया। ये जो माइक जो देख रहे हैं हमारे मधुर निष्ठान, आप उनके प्रतिष्ठान से आप लोग हमेशा जाते होंगे, ये हनुमान कॉम्प्लेक्स बाजार समिति गेट के सामने उन्होंने ये खरीद करके दिया माइक सेट। बैनर जो है उसमें हमारे गुप्तेश्वर पाल जी हैं, संजय जी हैं BSNL के, चौधरी जी हैं, वकील साहब राजीव रंजन जी हैं और बहुत सारे भाई बहन इसमें अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा दे करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया और ऐसे सभी कार्यक्रम में बैठ करके हम सभी आनंद ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग आते रहिए और आपके अंदर योग की भावना पनपी रहे। अभी हम लोग पूजा पंडाल में पैसा देते हैं बर्बाद हो जाता है, उससे लाभ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भाई बहनों को बैठने के लिए दरी का व्यवस्था और जो भाई चाहते हैं कि मैं ऊपर का बेड किस दे दूँ तो आप दे सकते हैं। और यह लाभ जब तक यह क्लास चलता रहे तब तक दान देने वाले का फल मिलता रहेगा। अभी इन्होंने दान दिया 2 साल पहले, लेकिन आपके समक्ष आप लोग बैठ कर इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ कि इन्होंने दान दिया इसका प्रतिफल एक जैसे इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट से जो संचार पैदा होता है वही संचार तरंग दान देने वाले के भीतर होता है। तो आइए हम संकल्प लें, दिव्य दान भी देने का भाव रखने का प्रयास करें, तभी यह देश और समाज चलता है। पूरी सृष्टि आप चाहे जहाँ भी नजर डालिए, पेड़ पे, पौधे पे, नदी पे, सूरज पे, चांद सितारों पे, सभी कार्य करते हैं मेरे लिए और मैं कार्य कर रहा हूँ केवल अपने लिए। इसीलिए आज घर में क्रोध तनाव पैदा हो रहा है, यदि दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे तो देखिएगा उसी दिन से हमारे आपके जीवन में दिव्यता और महसूस होगा कि मैं ही भगवान हूँ और भगवान मेरे माध्यम से कार्य करा रहा है। तब जाकर के एक गलती हमसे नहीं होगी, जब मैं ये समझता हूँ कि मैं एक अंधा सा व्यक्ति हूँ, मेरे गलती करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सबसे बड़ी भूल है। अभी महसूस करिए 130 करोड़ देश की आबादी, पहला गिनती मुझसे ही शुरू हो रहा है और अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी हमारे कोचिंग के कमेंडर जी आ जाए 2 मिनट के लिए, इन्होंने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर दी और फेसबुक पे अभी यूट्यूब पर हम लोग जिस दिन 6 दिन पूरा हुआ था, यूट्यूब पर जब जाइएगा केवल ब्रिजमोहन सिंह टाइप करके और देखिएगा तो हम लोग का योग का उस पर एक कार्यक्रम है और आज इन्होंने योग का क्लास का और आपके उपस्थिति में यह रिकॉर्डिंग करके आदरणीय दीपक बाबू के माध्यम से हम लोग यूट्यूब पर इसको डाल देंगे और हम रहे ना रहे यूट्यूब के माध्यम से आपका चेहरा, मेरा चेहरा, आपके हमारे बच्चे इसे कभी भी देख सकते हैं। तो बीच बीच में हम विशेष बीमारियों के लिए योग शिविर लगाते रहेंगे, आप नीचे संपर्क करते रहिएगा और मैं अपने जीवन को जो आपके लिए उत्सर्ग करने का भाव रखा है वो सदैव आपको लाभ मिलता रहे। तो आइए आज के इस पवित्र गाथा सत्र को विराम करने के पहले लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस भर के सांस भरिए 4-5 बार और महसूस करिए कि मेरे अंदर का सारा विकार निकल गया है और सभी विकारों से मैं मुक्त हो गया और जो भाव लेकर के मैं आया था उन भावों को मैं परिवर्तित करके अशुभ को शुभ में बदल डाला और व्यक्तिगत जीवन